फिर से स्वागत है आप सबका स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर, और मैं हूं आपका दोस्त संदीप अहलावत। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर निफ्टी के अंदर हमने एक सेलिंग की कॉल सजेस्ट की, जिसके अंदर आपको बताया गया कि अगर निफ्टी आपको 10650 10660 के आसपास खुलता है तो वहां से शॉर्ट कीजिए, और तकरीबन आपको वहां पर दो स्टॉप लॉस दिए गए थे। एक फाइनल स्टॉप लॉस तो तकरीबन जो 10765 के आसपास बनता था, लेकिन आपको एक ट्रेडिंग एसएल और दिया गया था जो तकरीबन 10710 के आसपास की था। तो जो हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस था वो तकरीबन आज हिट हो गया, क्योंकि आज आप लोगों ने देखा कि निफ्टी ने जो हाई बनाया वो तकरीबन 10720 के आसपास का बनाया है, लेकिन जो फाइनल स्टॉप लॉस 10765 का है, जो हम मान के चल रहे कि इस वीक के दौरान जो रेंज रहने वाली है वो 10540 से लेकर 10765 तक की रहेगी, तो वो अभी भी हमारा इंटैक्ट है। तो देखते हैं, चलिए कि ये जो टेक्निकल्स है वो बाजार एक कैसे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगर वीकली चार्ट्स की बात की जाए तो वीकली चार्ट्स पर हमने देखा था कि तकरीबन 5 हफ्ते की लगातार तेजी के बाद पिछले हफ्ते मार्केट के अंदर हमें एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली थी, और इस हफ्ते की जो शुरुआत हुई है वो काफी बुलिश नोट के साथ हुई है। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए, जो एक डेली चार्ट्स पर हमें एक बिल्कुल कल जो एक ब्रेकडाउन के संकेत शुक्रवार के ट्रेड के अंदर मिले थे, वो आज पूरी तरह से शायद ग्लोबल क्यूज की वजह से नेगलिगेट होते हुए दिखाई दिए और एकदम से हमने ऊपर का उछाल दिया। अब देखना यह होगा कि इसने जो एक ब्रेकडाउन दिया था वो ब्रेकडाउन फॉल्स हो गया है या फिर एक ट्रेडिंग बाउंस बैक है। तो वीकली चार्ट्स पर फिलहाल के लिए कोई ज्यादा बुलिश या ज्यादा बेरिश संकेत नहीं है, जो हमने शुक्रवार को ही बात की थी, लेकिन डेली चार्ट्स पर देखना होगा कि बाजार कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, डेली चार्ट्स पर हमें तकरीबन दो तरह के ब्रेकडाउन हमें शुक्रवार के ट्रेड के अंदर देखने को मिले थे। तो थ्री ब्लैक क्रोज नामक एक कैंडलस्टिक्स का पैटर्न बना था जो काफी बेरिश होता है, और निफ्टी ने एक डेली जो उसकी ट्रेंड लाइन जिसके ऊपर निफ्टी खड़ा होकर चल रहा था उसको ब्रेक नीचे की तरफ किया था। हमने तकरीबन 10620 के नीचे ही क्लोजिंग शुक्रवार को दी थी, लेकिन आज दोबारा से ग्लोबल क्यूज अच्छे होने के कारण आपने देखा डाउ जोन्स काफी ऊपर चला गया था। आज हमने एक गैप अप ओपनिंग देखी और उसके बाद लगातार हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले गए, और फाइनल क्लोजिंग हमारी 10720 की हुई है। आरएसआई ने जो नीचे की तरफ फेस कर लिया था वो एक बार दोबारा से 60 के ऊपर आके तकरीबन 63 के आसपास आ चुकी है। दोस्तों, अगर हावर्ली चार्ट्स की बात की जाए तो हावर्ली चार्ट्स पर आप लोगों ने देखा किस प्रकार से आज तकरीबन हमें शुरुआती घंटे के बाद जो थोड़ा सा डिप मिला था उसके बाद हम लगातार ऊपर की तरफ चलते हुए गए और 10720 के आसपास आ गए हैं। तकरीबन अगर देखा जाए तो हावर्ली चार्ट्स पर बाजार एक राउंडिंग बॉटम का एक ब्रेकआउट देके उसके ऊपर की तरफ निकल चुका 10720 के आसपास। आरएसआई तकरीबन 60 के ऊपर चल रही है। दोस्तों, अभी फ्यूचर्स का जो डाटा है वो भी हमें कुछ बुलिशनेस के संकेत दे रहा है। तकरीबन 83 पॉइंट का हमें इसके अंदर गेन देखने को मिला हो, तकरीबन 2.3% के आसपास ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। दोस्तों, कॉल पुट डाटा के अंदर हमें एक बड़ा ही अजब सा डेवलपमेंट देखने को मिला, जहां पर हमने शुक्रवार के ट्रेड के अंदर देखा था कि 10700 10600 10800 तीनों स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग देखने को मिली थी और पुट्स के अंदर से अनवाइंडिंग देखने को मिली थी। आज उसके बिल्कुल ठीक विपरीत होता हुआ नजर आया है, 10600 10700 10800 की कॉल्स के अंदर से अनवाइंडिंग देखने को मिली है और वहां पर तकरीबन आप लोगों को पुट राइटिंग देखने को मिली है। दोस्तों, अब अगर आगे ही कॉल की बात की जाए तो क्या रहने वाला। देखिए, हमने शुक्रवार के दिन हमारा जो मूड एक बेरिश हो चुका था, क्योंकि हमने देखा था कि किस प्रकार से बाजार के अंदर डेली चार्ट्स पर थ्री ब्लैक क्रोज नामक एक बेरिश पैटर्न बना था और एक जो ट्रेंड लाइन निफ्टी जिसके ऊपर डेली चार्ट्स पर चल रहा था उसका भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। इस प्रकार के जब ब्रेकडाउन देखने को मिलते हैं तो जो बाजार थोड़ा वीक हो जाता है और हमें नीचे के टारगेट देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वीक के एंड में कर्नाटका के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, जिनका जो रिजल्ट रहेगा वो भी देखने के लिए काफी महत्वपूर्ण, तो मैं यहां से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी भी हमारा जो व्यू है वो ज्यादा निफ्टी के अंदर बुलिश नहीं हुआ है। हम इस वीक के लिए जो रेंज मान के चल रहे हैं वो अभी भी 10765 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ तकरीबन 10540 की रहेगी। यानी शुक्रवार को जो हमारा सेलिंग सेल ऑन राइज का जो व्यू था आज भी वही मेंटेन रहेगा। आप लोग क्या कीजिए, निफ्टी को ऊपर जाने दीजिए जितना ये जाता है, उसके बाद हम ऊपर की तरफ निफ्टी के अंदर तकरीबन एक सेल की कॉल बनाएंगे। हमें लगता है कि 10765 के ऊपर ही क्लोजिंग अभी फिलहाल के लिए निफ्टी को नहीं देनी चाहिए। अगर 10765 के ऊपर ही क्लोजिंग निफ्टी देता है तो फिर एक ब्रेकआउट की सिचुएशन होगी और तकरीबन 11000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को क्या करना है, निफ्टी अगर आपको और ऊपर की तरफ मिलता है तो निफ्टी को सेल ऑन राइज, यानी अगर 10760 10770 के आसपास मिलता है तो वहां पर सेलिंग की एक एंट्री डालिए। स्टॉप लॉस तकरीबन साइकोलॉजिकल लेवल 10800 के आसपास का आपका रहने वाला है और तकरीबन नीचे की तरफ आपको हो सकता है वीक के दौरान एक बार के 10540 या 10600 के लेवल दोबारा से आसानी से देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एनालाइजिस, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ दोबारा एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए, हैप्पी ट्रेडिंग।